जितने भी गृहस्थी लोग यहां बैठे हैं, स्पेशली सौभाग्यवती माताएं बहन, आपको हम एक उपाय बताएं, जिनके घर में संतान सुख न हो और डॉक्टरों ने भी कठिन परिस्थिति बता दी हो कि हम असमर्थ हैं, और मैंने तो देखा है बहुत सारे इलाज भी हम लोग करा लेते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती है, ऐसे गृहस्थियों को, स्पेशली सौभाग्यवती माता बहनों को पीपल के जड़ में नित्य जल चढ़ाना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए और पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। नियमित रूप से पीपल के परिक्रमा करने से, दीपक जलाने से और जल चढ़ाने से नारायण भगवान सहज प्रसन्न होते हैं। पीपल के वृक्ष को हमारे यहां बहुत पूज्यनीय माना गया है, बहुत पूज्यनीय। कुछ ही पेड़ ऐसे हैं जिनको काटने की स्पेशली मनाई की गई है, बिल्कुल नहीं काटना, उनमें से पीपल एक है। तो पीपल की सेवा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, नारायण का वास है उसमें, लक्ष्मी नारायण भगवान का वास है। तो आप अगर पीपल की पूजा करेंगे, दीपक जलाएंगे, तो आपके कष्टों का निवारण इसमें जरूर होगा। और एक शुभ काम ये भी है, जो आपके द्वार पर या रास्ते में कोई भिखारी मिलता हो, उस भिखारी को गुड़ खिलाना चाहिए। भिखारी को गुड़ खिलाने से संतान की प्राप्ति में जो बाधा आ रही है वो बाधा धीरे धीरे समाप्त होती है। कभी भी किसी भी दिन जाके गुड़ खिलाओ। एक श्लोक भी हम बता रहे हैं, जिनके घर में संतान ना हो वो इस श्लोक को याद कर ले, माताएं भाई भी कर सकते हैं, इस श्लोक को उच्चारण करते रहें भगवान के आगे, नित्य इसका पाठ करते रहें। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयम् कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ये श्लोक है, इस श्लोक का पाठ उस माता को नित्य करना चाहिए जिसको संतान नहीं है और संतान प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा उनको भी करना चाहिए जिन पे एक एक ही है, हम दो हमारा एक, एक नहीं हम दो हमारे चार होने चाहिए।